और जो तो, फूके बजती हैं वो वही मैं कह रहा हूँ ना तभी ऐसे वर्ड बोले समोसा हाँ, पकौड़ा ठीक है ना बोंडा मतलब देखो बात हर एपिसोड में घुमा फिरा के देखना खाने की आई जाएगी यार अब क्या करें <laughs> <laughs> पापी पेट का सवाल है आ नहीं चाहिए हम दोबारा साउंड चेक करेंगे लेकिन इस बार आवाज में करंट नहीं आना चाहिए हाँ ठीक है करंट आता कैसे वैसे करंट का तारों से ही आएगा और क्या तारे जमीन पर RFE unplugged on rolling frames entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works, powered by Aroma Musk, Alice तो अभी मैं वही सोच रहा था कि जब भी माइक के आगे बैठते हैं, जैसे ये माइक है, लाना घर mm. आगे माइक के आती ना इसकी आम आगे। हाँ, हाँ ये जो माइक है, हाँ इतना ही दिखना चाहिए गोल्ड।

लंबी प्रथा चलती आ रही है कि जब भी आपको माइक टेस्ट करना है तो सबसे पहले <laughs> हाले 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 माइक चेक माइक चेक वन टू वन टू ये, ये मतलब स्टैंडर्ड होता है फिर आप ट्राई कर सकते हो पकौड़ा समोसा कचौड़ी वड़ा पाव भुर्जी ये भी सारी चीजें आप बीच में डाल सकते हो हाँ। तो उससे भी खाना आपका हाँ में आता है नहीं आना भी चाहिए इसका लॉजिक क्या है

तो ये इसको टेस्ट किया जाता है कि ये ऑन साउंड कैसी आएगी तो हेलो 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 माइक चेक माइक चेक टू थ्री वन टू थ्री और उसके बाद फीचर से हारमोनियम चलता है यस yes, साउंड चेक होता है साउंड चेक होता yes. है यस अभिनव शर्मा जो पहले पहले क्या पहले अभी भी मेरे लिए ये अभी है <laughs> अभिनव शर्मा अभिनव ने इतने साल रेडियो पे मॉर्निंग शो रात का शो भी होस्ट किया अभी रात का भी किया मतलब सिर्फ एक ही शहर नहीं अक्रॉस हाँ। मतलब रात रात? और सुबह कितनी जल्दी का शो सुबह सात से ग्यारह सुबह सात से ग्यारह राइट वो टाइम जब लोग सोते नहीं है और वो टाइम जब लोग उठते नहीं है अभी दोनों टाइम पे शो मैं

तो अभी मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि एक टाइम ऐसा था कि जब डेली आपको इतने लोगों के फोन आते थे आप इतने लोग एफएम uh, ऑफिस में कॉल करते हैं और आपके मॉर्निंग शो और नाइट शो पे बात करते हैं एंड एंड देन देन आर आर आउट ऑफ इट यू नॉट टॉकिंग मच द नंबर मतलब लाइक यू हैव टू शॉर्ट ऑफ टेक सम टाइम टू यू नो डेवेलप योर सेल्फ ऑल्सो अपनी स्किल्स को भी थोड़ा आप शार्पन करना चाहते हो और प्लस अब आई वॉन्टेड टू डू अ लॉट मोर दैन यू नो मतलब लाइक जस्ट होस्टिंग अ रेडियो शो ऑफकोर्स इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस इन माई लाइफ बट मैं और भी चीज़ें ट्राई करना चाहता था और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू कीप लर्निंग एंड आई वॉन्ट टू कीप ग्रोइंग कंसिस्टेंटली तो

नॉर्मल लाइफ बिकॉज कॉन्स्टेंटली लाइक द जॉब बिकम्स अ पार्ट ऑफ याइफ स्पेशर आर जे आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि क्या कहते हैं आप खुद किसी रीजन से दुखी हो फिर आप ऑनियर जाके लोगों को खुश खुश खबरें सुना रहे हो सो यू नो दैट इज इट गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो राइट एंड इसीलिए एक आर जे के लिए बड़ा लाइक इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को एक मेंटल स्टेट में रखना यू नो जैसे मेरा मॉर्निंग शो था सो हाइट टू कीप माई सेल्फ वेरी इन्फॉर्मड लाइक यू नो अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन मतलब रोज़ सुबह एवरी मॉर्निंग यू नो यू वेक अपीड द न्यूज पेपर यू प्रिपेयर वॉट यू हैव टू डू इट्स लाइक डूइंग अ फ्रेश स्टैंड कॉमेडी सेट एवरी डे सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस आई मीन लाइक इट येस इट इस वेरी हैक्टिक बट वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो मतलब इतने लोगों से जैसे बात करने को मिलती थी मेट सो मैनी पीपल थ्रू दैट जॉब एंड आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम एंड साथ ही साथ में मतलब ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग ऑपरचुनिटीज भी होती हैं बट ऑबियसली हर एक लाइक जैसे कहते हैं ना पोजिशन का अपना एक प्लेस होती है लाइफ के अंदर सो so, स्लोली आप, आप मैंने जैसे करके देख लिया सो आई डिस कम बैक टू म्यूजिक एंड यू नो डेवलप माई स्किल्स फर्दर हेयर हो सकता है आज हमारे पास बातें इतनी ज़्यादा होकर की कि शायद हमें जाके दोबारा आके भी बहुत सारी बातें आरजे जी बोलना तो काम ही है हमारा क्या कंटिन्यू करना पड़े <laughs> अभी आ, आ, बड़े क्रेजी से कॉलर्स आते होंगे या बड़े अलग अलग तरीके के लोग आपको रेडियो में फोन करते थे तो कोई कुछ दो चार अच्छे मजेदार किस्से सुनाओ आई सी uh, I mean, अब बात वही होती है कि जो बातचीत जिसके साथ हो रही होती है जिस टॉपिक पे हो रही होती है तो मज़ा हर कॉल में ही आता है हर किसी से बात करने में आता है Right, कॉल करते हैं एंड uh, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है काफी बार कुछ लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जो आप खुद एक्सपेक्ट नहीं करते सो hmm. so, आपको बड़ा ऑन योर फीट मतलब सोचना पड़ता है लाइक यू नो इन द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो आई मीन मैं चलो मतलब एंड लोग इसका फायदा भी उठाते हैं सो so, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनको पता लगा कि लाइक like, मैं रेडियो पे हूँ मैंने बताया नहीं किसी को क्योंकि मैं इनिशियली आई वांटेड कि मैं पहले अच्छा हो जाऊं इस पर फिर मैं सबको बताता हूँ कि ये मैं हूँ राइट right? ताकि वो सुन के अच्छे से मज़ा एंटरटेन हो पाए बट uh, जब मेरे दोस्तों को पता लग गया तो उन्होंने ट्यून इन कर लिया और उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कॉल कर दिया मेरे को और वो तो अपनी तरफ से मस्ती कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मतलब जब मैं कॉल्स ले रहा था कि और भाई क्या हाल है कहाँ पे है हम तो देख गया तेरे ऑफिस के नीचे घूम रहे गाड़ी में सुबह सुबह ड्रिंक लगा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं

आर जे बनने के लिए या इफ यू वॉन्ट टू वर्क विद द रेडियो एंड बी ऑन एयर ठीक है बी सो आर द क्वालिटीज वन शुड वर्क ऑन और पोजेस दोनों या कुछ में होंगी भी या कुछ को उन पे वर्क करना पड़ेगा टू मेक इट मेक इट देयर ओके सो फर्स्ट ऑफ बोलना आना चाहिए आई मीन लाइक बट बोलना आना चाहिए इसका मतलब नहीं कि आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए या आप ऐसे सुनाई देने चाहिए हो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक आप इतने इन्फॉर्मड होने चाहिए दैट यू 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 शुड बी बी एबल टू टू कैरी अ अ ऑन इट राइट तो मतलब नो इफ इफ वांट रेडियो आपको इन्फॉर्मड होना बहुत जरूरी है मतलब जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड भी है यू नो इट हैव टू बी अबाउट एवरी बट जिस चीज़ के बारे में एक कोई एक ऐसी चीज होनी थी चाहिए जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है या आपका इंटरेस्ट इतना है

पता होना चाहिए इट इट्स नो लॉन्गर एन एक्सक्यूज कि यार मेरे को ये सॉफ्टवेयर नहीं आता वो नहीं आता यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपका काम काफी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे होगा राइट म्यूजिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए दैट इज अ वेरी बिग हेल्प इन दिस जॉब एंड मतलब लाइक यू नो मतलब काफी लोग एक सुपरफिशियल लेवल तक म्यूजिक ही एंजॉय करते हैं कि बस गाना था ठीक था बट जब आप इस प्रोफेशन में आ जाते हो देन यू नीड टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट म्यूजिक म्यूजिको कि यार गाने का हुक क्या है इंटर आउट यू नो कहीं डेड एयर ऐसी सारी चीजें होती है सीखने पड़ते हैं बिफोर यू हैव टू एंटर दिस इंडस्ट्री सो यू हैव टू बी कि यू नो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस बहुत तेज लर्निंग होगी mm. आपकी और बहुत सारी लर्निंग होगी और फटाफट होगी ऑन योर फीट

जो आप उस टाइम पे करते हो दैट इज व्हाट मैटर्स सो द प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ सब कुछ हो गया और आप क्योंकि ऑडियंस के आई फील क्वेश्चन भी जैसे लाइव इंटरव्यूज भी हमारे बहुत होते हैं तो ऑडियंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप एंटीसिपेट नहीं, नहीं कर सकते कि सकते। वो क्या पूछ लेंगे सम दे माइट आस्क समथिंग कंट्रोवर्शियल बिल्कुल बिल्कुल तो आई थिंक ये बहुत सो so इन्फॉर्मड रहना बहुत जरूरी है बिल्कुल डोमेन uh, नॉलेज होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है

म्यूज़िक uh, की भी इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी हो है सो वेन यू आर ऑलरेडी अ म्यूजिक कम्पोजर आपने इतने साल ऑलरेडी पहले म्यूजिक पे एफर्ट किया काम mm -hmm. किया यू हैव वर्कड विद सो मैनी ग्रुप्स सो मैनी पीपल सो सोनी यू हैव कोलेबरेटेड सो मच एंड देन यू एंटर इन टू द रेडियो इंडस्ट्री एंड डिट दैट हेल्प यू वॉज इट हेल्पफुल द डोम येस इट वॉज मतलब लाइक like, ऑबली uh, मैं ये बोलूँगा कि जहा मतलब लाइक कोई ट्रैक होता था उसके बारे में किसी को जैसे पहली बार कोई अगर एवरेज लिस्टर है उनको दस में से चार चीजें पता होती तो मैं ये कह सकता मेरे को दस में से आठ चीजें पता थी राइट right. राइट right. तो अब जैसे आ, मैं अपने जो जब मैं रेडियो पे बात करता था तो जो मैं जो बोल रहा था तो जो नीचे जो म्यूजिक बज रहा होता था आई कम्पोज म्यूजिक आज की डेट में भी मतलब लाइक बहुत सारे रेडियो स्टेशन है जहां पे मेरी ऐसे कॉम्पोजिशन चल रही होती है राइट बट मैंने मतलब उसमें क्या हुआ था कि मेरे पास ये एडवांटेज थी कि मैं अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई वॉज एबल टू क्रिएट द ऑफ साउंड आई नीडेड राइट राइट तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था तो इट गेव मी अलॉट मोर ऑप्शन टू वर्क विद मतलब जैसे अब मेरे को पता है कि मेरा का शो है इट हैज टू नहीं होता हाँ. तो मैं रेडीमेड सूट हाँ. तो में भी अच्छे लगते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके लिए फिटिंग अच्छी रहती है सो हाँ. आई so मैं मतलब जहाँ तक मेरी so म्यूजिक की नॉलेज थी सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इट हेल्प जब जैसे किसी आर्टिस्ट की इंटरव्यू करनी होती हुँ. है राइट बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद उनके लिटरली ऐसे काम की बातें कर सकता हूँ ना, hmm. ना कर पाए मेरे को hmm. जैसे स्टूडियो इन्वास का पता है मेरे को पता है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आपको गिटार पार्ट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है या फिर आपको परफॉर्मेंस इश्यूज होती कुछ hmm. भी होता है सो सिंस आई एम फमिलियर विद आई वॉज फमिलियर विदोर आई जॉइट रेडियो आई कुंड

एक हमें ना एक um, uh, थोड़ा सा खुद के साथ रहना सीखना पड़ता है या वी आर ओनली इंटरैक्टिंग विद आइदर आर प्रोड्यूसर और द मे बी द पर्सन वी आर कोलैबोरेटिंग विद फॉर आर प्रोजेक्ट उसके अलावा आई डोंट थिंक विद इज लॉट ऑफ पीपल वी हैव टू डील विद बट आई थिंक व्हेन वी आर इन द लाइव एनवायरनमेंट सिमिलरली फॉर अ रेडियो स्टेशन और फॉर अ टीवी स्टेशन देयर आर सो मेनी पीपल यू हैव टू डील विद यस सो मेनी मीटिंग्स यू हैव टू डील विद सो मेनी

You know, learning all these things. So uh music music's always been a very fa fa like fantastic outlet. Mm. I stress, hota hai, to, yes, it's therapeutic for me in a way, like you know. Plus uh, saath ki saath, matlab, it's also it gives me something to work towards. Matlab, I sit, I practice my guitar daily hmm. because I want to become a better musician because I think that will help me create even better music. Right.

बिकॉज अभी था अर्जे तो पागल हुआ रहता था उसको भी इसमें टेंशन होती थी यार कल शो में क्या करना है यार मेरे को ये करना है मेरे को वो करना है सो so, उसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली बांध देता मैं दीवार के साथ हाँ। कि तो बैठ जाए थे थोड़ी देर के हाँ। अभी तो कम्पोजर इज मोर रिलैक्स तो अभी वेन यू आर वर्किंग एंड समटाइम्स इमोशंस गेट सो ओवरवेलमिंग काम करते हुए बिकॉज आप सैड म्यूजिक कम्पोज करो समाइम्स एंग्री है एंगर है सब कुछ है तो हाउ डू स uh, like, hmm. right? भी so खत्म हो, तो हो जाती है मतलब hmm. गाने के साथ ही लाइक hmm. like, वो जिसे कहते हैं ना आप अपनी पूरी मेहनत दाव पे लगा दो तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है hmm. right?

लाइवली uh, कलरफुल लोगों से मिलूंगा बात करूंगा कलर को सर्च करूंगा और uh, ड्रामा के लिए मैं टोन पे मूव करूंगा वैसा म्यूज़िक सुनूंगा तो म्यूज़िक तो आपने देखा है कार में इट्स कॉन्स्टेंटली देयर एंड आई एम लिसनिंग टू सम डिफाइंड म्यूज़िक जो मेरा उस वक्त मूड डिफाइन करते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन करते हो या हाउ डू यू रिलैक्स मुझे लगता है आई एम ऑलरेडी डूइंग वॉट आई लव उनकी ड्रीम कुछ और थी उनका काम का पैशन कुछ और था वो कर कुछ और रहे हैं hmm. तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर आदमी फॉर्चुनेट है right. तो उन्हें वो आउटलेट ढूंढना जरूरी है हर एक के सर्कमस्टेंसेस नहीं अलाउ करते आ, हम लोगों ने सर्कमस्टांसिस बनाए हैं hmm. मतलब हमें भी अलाउ नहीं करते थे अगर कर कोई कन्वेंशनली पूछे बिल्कुल, तो इंजीनियर ही बने होते तो वो वही बात थी

राइट right. तो मतलब आप देख लो आज की डेट में आपको हर जनरेशन का म्यूजिक मिलेगा हर टाइप का म्यूजिक, म्यूजिक मिलेगा, मिलेगा और ऑन डिमांड मिलेगा आजकल आप मुझे मतलब हाँ, so, like, मे, so, मेरा क्या चॉइस होती है कि मैं ना अब अपने को सरप्राइज करने के लिए पॉसिबल मैं अलग अलग डायरेक्शन मतलब ये नहीं सोचता मैंने इस जॉनर का ये गाना सुनना है ये सुनना है मेरे को अब जैसे गाने सुनने हैं तो मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूं एज अ लिसनर मतलब अगर हम आपसे पूछे मतलब कि व्हाट इज योर जॉनरा तो व्हाट इज योर जॉनरा मैं बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा यार ये सिचुएशन हम लोगों के लिए इतनी कॉमन कैसे है कोई है मुझे ये भी पूछ ले कि आपको खाने में क्या पसंद है आई एम लाइक

और होएगा क्या उसमें मतलब लाइक आपको नए नए गाने मिलते रहेंगे नए नए तरीके के मूड एक्शन फिल्म देखने का किसी का होएगा हॉरर फिल्म देखनी है किसी का होगा रोमांटिक फिल्म देखनी है राइट तो हो सकता है आप एक बड़ी अच्छी एक्शन फिल्म बना दो बट जिसको रोमांस देखनी है उसको पसंद ही ना करेक्ट राइट सो मैं इसीलिए अपने को एज अ सेल्फ एज अवेयर ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स लाइक एंड डिफरेंट स्टाइल्स जितना मैं रख सकता हूँ ताकि कल को अगर कोई मेरे पास भी आए कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन की रिक्वेस्ट लेकर मैं उनके लिए उतनी ही वेराइटी शो केस कर पाऊँ hmm. कि मतलब ये ना हो कि मेरे को पता न, मैं अपने लिए ही अपनी एनरिचमेंट के लिए ही आई लिसन टू एज मैनी सॉन्ग एज पॉसिबल मतलब जो लैंग्वेजेज में जो मेरे को आती भी नहीं है मतलब जैसे मेरे को फ्रेंच नहीं आती है बट मेरे को फ्रेंच में गाने सुनने हैं है, सुनने हैं

तो आप अपने आप को जितना ओपन रखोगे इंस्पिरेशन के लिए उतनी अलग अलग डायरेक्शन से आपके पास ऑप्शन आती रहेंगी सो so, कभी कभी क्या होएगा जैसे um, एक गाना था तो मतलब जैसे मैंने कंपोज किया तो आई ट्राई बेसिंग माय सॉन्ग्स ऑफ ऑफ इन माय लाइफ राइट राइट तो उसमें क्या होता है कि आप फिर वो उन इमोशंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके होते हो अपनी लाइफ में तो यू कैन ड्रॉ ऑन मोर क्लियरली राइट right. तो अब जैसे मैं उसके ऊपर अपना म्यूजिक बेस करने की कोशिश करता हूँ बट कभी कभी क्या होएगा जैसे मैं कोई विजुअली चीज देखूंगा मेरे को उसके अंदर में भी कुछ ऐसा लगेगा विच आई स्टार्ट कनेक्टिंग टू समथिंग म्यूजिकल इन माई हेड लाइक डन विद सॉन्ग ऑफ माई उस गाने का नाम गोल है hmm. तो वो मैंने गाना जब सोचा था तो इनिशियली मतलब जो उसका ऑडियो था और वीडियो था वो लिटरली साइमल्टेनियसली मेरे दिमाग में इवॉल्व होता गया राइट सो अब बात वही होती है कि उसमें आप अपनी स्किल्स को कितना इम्प्रूव करते हो तो टू ब्रिंग ऑल दैट क्रिएटिव विजन इन टू अ form. फॉर्म तो मेरे को अगर सिर्फ mm -hmm. जैसे अगर मैं आज की डेट में आ, आपको ही पता ये बात कि कोई भी गाना अगर बनाता है तो उसके साथ ही वीडियो का सोचना पड़ता है पहले ये होता था कि आपकी कसे होती थी वीडियो है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता था सीडीज में भी इतना फर्क नहीं पड़ा बट आज की डेट में डिजिटल एज में आपको एज एन आर्टिस्ट और एज अ म्यूजिशियन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो राइट right, वो भी अब फील्ड की रिक्वायरमेंट बन गई है सो आई थिंक दैट आई एम दैट आई एबल टू राइट के आ गया देखा <laughs> नहीं सो इट स्टार्टेड ऑफ आई वांटेड टू स्टार्ट जहां पे मैं लाइक आई वाज वर्किंग ऑन ओरिजिनल म्यूजिक एंड ऑल ना तो फिर अल्टीमेटली आई ऑफ गिव इट अम ऑल्सो पहले मेरा इतना नाम पर ध्यान नहीं था बट देन आई वॉन्टेड अ नेम जो सॉर्ट sort ऑफ of उस म्यूजिक को भी थोड़ा सा मतलब उसको एक प्रीफेस दे दें कि आपको पता लग जाए कि ये शांत म्यूजिक नहीं होने वाला इट्स नॉट गोइंग टू बी कि मतलब आप आराम से बैठ के मतलब इसको रिलैक्स होकर सुनोगे आई वॉन्टेड टू मेक म्यूजिक दैट वॉज हाई एनर्जी एंड लाइक यू नो मैं चाहता था कि लाइक यू नो टू हैव अ वेरी लाइवली काइंड ऑफ एक्ट सो दैट्स काइंड ऑफ आई आम अपने

राइट की मतलब मैं वो इतने साल के जैसे जो मेरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की ट्रेनिंग थी वो मैं उतनी इफेक्टिवली रेडियो में यूज ना कर पाता नाउ आई कैन

आप खुद को क्या बोलते हो अभी <laughs> <laughs> नहीं मैं मतलब सी आप को देखो चलो कभी ये हुआ है लेट्स 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 डिस्कस फ्यू इंटरेस्टिंग मोमेंट्स वी हैव हैड इन लाइफ कभी ऐसा हुआ है कि ने पूछा हेलो बेटा क्या करते हो आपने कहा सर मैं म्यूजिक बनाता हूँ कहेंगे वेरी गुड और आप क्या करते हैं हाँ बिल्कुल <laughs> वो क्यों पूछते हैं सर क्योंकि किसी यहाँ पे किसी को लगता नहीं है मतलब वही होता है ना जिसे कहते हैं

जरूरी नहीं है कि अगर आपका फिल्म में गाना नहीं आ रहा तो यू कैनोट फाइंड वर्क एज अ आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू विद योर टैलेंट प्रोवाइडेड आप उसको एक स्किल में कन्वर्ट करके यूज करने को रेडी हो राइट मेरे को अगर लेट से किसी एड फिल्म के लिए भी मतलब मेरे को म्यूजिक देना हुआ मैंने क्लाइंट्स uh, के लिए लाइक जिंगल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उनके लिए मैंने पूरी ब्रांडिंग की थीम्स बनाई हुई हैं मतलब जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे जो ए आर रहमान ने एयरटेल के लिए किया था

ये क्या चीजें होती हैं क्योंकि लोग सिर्फ जैसे चीज़ को समझते हैं अच्छा आप एक कैमरा गए आप शूटिंग कर लाए आपने एक साउंड लगा दिया और आपका बन गया अब ये प्रोसेस साउंड लगा दिया कि पीछे कितना बड़ा प्रोसेस है ये इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम जरूर बात करें राइट right. सो so, uh, जैसे अब आप शूट करने जाते हो मूवी तो काफ़ी बार आपने यही नोट किया होगा कि कैमरे के आगे लोग कम होते हैं कैमरे के पीछे ज्यादा लोग होते हैं राइट हर हर किसी शॉर्ट के अंदर भी आप देखो तो तो म्यूज़िक में भी सेम चीज़ होती है आप जब गाना सुन रहे होते हो तो आपको एक सिंगर या दो सिंगर्स की आवाज़ सुनाई दे रही होती है राइट right? बट सिर्फ वो ही नहीं है जो सब कुछ कर रहे होते हैं राइट यू हैव लाइक प्रोड्यूसर्स होते हैं जो मतलब पीछे आज की डेट में जैसे इलेक्ट्रॉनिकली म्यूज़िक बनाएंगे या फिर लाइव म्यूजिशंस लेकर आएंगे उनके साथ बैठेंगे कंपोज करेंगे रिकॉर्ड करेंगे राइट right? सो so, uh, ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं मतलब वो अब डिपेंड करता है आप किस टाइप का गाना रिकॉर्ड कर रहे हो गाने में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कब कब कहाँ कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है गाने के लिरिक्स गाने को गाने वाला तो यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग प्रैक्टिस आप जो अपना डिजिटली भी प्रिपेयर कर रहे हो वो भी मेहनत लगती है किसी को बैठ के बनाना पड़ता है सारे का सारा सो एवरी स्टेप इज बेसिकली लाइक और पे और पे और काम है बहुत लोगों मेहनत लगती है, न, क्या कहते करते कराते फिर आपको अल्टीमेटली एंड में जाके एक गाना आपका बनता है जो हुँ. फिर आप ऑडियंस के लिए रिलीज करते हो उसको मिक्स किया जाता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में जो साउंड है वो कैसे तालमेल खा रही है मास्टरिंग की जाती है कि ओवरऑल ट्रैक कैसा सुनाई दे रहा है उसको कैसे शेप देनी है कि मतलब ये चीज ऐसे होनी चाहिए इसके अंदर ये चीज ऐसे होनी चाहिए ताकि ये वैसा इंपैक्ट दे पाए जैसा हम चाह रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रॉ फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहे हैं या एक टोन पे बन रहे हैं या yeah.

कि अच्छा इस गाने के पीछे किन-किन लोगों का हाथ है है जैसे मैं देता हूं, कर्स फिल्म hmm. तो कर्स फिल्म देखी आपने तो की जो थीम है, उसको वो जो थीम ah. वो गिटार के ऊपर पीस प्ले करा हुआ है सबको पता है सिंगर कौन है उस गाने का hmm. बट किसी को नहीं पता वो गिटार किसने बजाई है right? कि वो कौन सा गिटारिस्ट था जो बैठ के जिसने अपने हाथों से वो चीज प्ले करी है जिसने इतनी मतलब लाइक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है करेक्ट राइट right? तो ये एक चीज है जो मतलब लाइक आज की डेट में काफी आर्टिस्ट्स मतलब फेस करते हैं भी बट थैंक्स टू तो सोशल मीडिया वो अपनी पहचान बना भी पाते हैं वो बता पाते हैं लोगों को कि देखो इस गाने right. के अंदर हमने ये ये सब करा और इसके लिए ये ये, ये, ये लोग रिस्पांसिबल है अभी अब जैसे हम हार्डकोर डिजिटल एरा में आ चुके हैं तो म्यूजिक का डिजिटल एरा में

हर टाइप ऑफ म्यूजिक का एक्सेस है एंड आज की डेट पे हर टाइप ऑफ म्यूजिक अपनी ऑडियंस भी ढूंढ सकती hmm. है राइट right? अब ये नहीं है कि आप अगर यहां रहते हो तो आपको इसी टाइप का म्यूजिक बनाना है राइट right? क्योंकि मैं जानता हूं जैसे आ, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी, भी कुछ बैंड हैं वो यूरोप hmm. जाके परफॉर्म कर रहे हैं राइट right? क्योंकि अब यहाँ पे वो हैवी मेटल म्यूजिक बजाते हैं जो मे भी इतने लोग सुनना पसंद नहीं करते या फिर कम लोग सुनते हैं यू नो प्रशनली स्पीकिंग तो उनके पास ऑडियंसेस हैं जो उनको बाहर अप्रिशिएट करती है सोशल मीडिया के पॉपुलैरिटी मिल गई मेहनत कर रहे हैं hmm. right? तैयार तो है दे कैन फाइंड एन ऑडियंस फॉर देयर आर्ट राइट एंड उनको उस पर यह भी एक का, आज की डेट में इंस्टेंट साइमल्टेनियस फीडबैक मिल जाता है मतलब hmm. आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालो आप ट्विटर पे अपने फोन पे आज किसी भी आर्टिस्ट को डायरेक्टली जो जिससे आप जिसका hmm. आप गाना सुन रहे हो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते कर सकते हैं राइट सो डिजिटल एज का ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज ये भी है कि um, मतलब काफी बारी ना कुछ लोगों ऑब्वियसली जैसे अब एमेच्योर लेवल टेक्नोलॉजी भी होती है मतलब कुछ लोग होते हैं शुरुआती तौर पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं म्यूजिक से एक आधा एक्सपेरिमेंट चल जाए बहुत अच्छी बात है यू नो इट्स अ वेरी गुड थिंग राइट बट उसको सस्टेन करके रखना जब आपके पास ट्रेनिंग ना हो इतनी hmm. जब आपको मतलब लाइक वही था कि बस हमने यही आता था hmm. हमें करना तो हमने यही करते रहते क्योंकि उनको पता है बस यार ये एक चीज चल गई थी ये जितनी देर तक नींबू निचोड़ सकते निचोड़ लो राइट hmm. right? तो वो डिजिटल एज में थोड़ा ज्यादा नजर आता है मतलब आए hmm. जैसे मैं रेडियो में भी काम करता था सो लड़के आते थे कभी मिलते थे तो फो कॉल करते थे कि भाई हमारे लड़का है इसने बड़ा अच्छा दो लाइने लिखी है बहुत अच्छा गाता है आप इसको प्लीज चांस दीजिए तो मैं कभी किसी को ना ऐसा ना नहीं करता था क्योंकि right. मेरे को पता है एज स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट माई सेल्फ में दूसरे की स्ट्रगल देख के समझ सकता हूँ मेरे को पता है कि अगर आपके लिए कोई दरवाजा खोल के दो मिनट इंतजार कर लेना कितने महीने रखता है hmm. तो मैं हमेशा हर किसी को चांस देता था बट मैं उनको यही चीज समझाता था hmm. कि अब आपने दो लाइनें तो लिख ली है बट दो लाइनें लिखने में और एक पूरा गाना बनाने में बहुत फर्क है hmm. मतलब आप दो पन्नों पे अगर दो अक्षर लिख दोगे उससे आप एक लेखक नहीं बन जाते आपको अगर आप किताब भर भी दोगे उससे भी आप लेखक नहीं बनते आप अच्छे से बारे में right? right. तो हर चीज के बारे में सिमिलरली म्यूजिक में, में आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में म्यूजिक hmm. थ्योरी के बारे में ताकि आप और इफेक्टिवली अपनी स्किल को यूज कर पाओ hmm. right? तो जैसे कुछ लोगों की आवाज में उतना दमखम नहीं होता तो डू दे टेक्नोलॉजी

वो मैटर करता है राइट हाँ. right? अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यस आज की डेट में कोई सिंगर होएगा जिससे सुर सुर नहीं लग रहा होएगा तो वो वो सॉफ्टवेयर की मदद से वो सूर लगा देंगे ठीक है ना अब अगर तो कुछ ऐसा है जहां पे वो सिंगर के के गायकी अंदर आप एक थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हो ताकि बाकी की जो उनकी अच्छी एक ऑसम awesome परफॉर्मेंस है वो मेनटेन रहे आई वुड नॉट यू नो से दैट्स अ बैड थिंग कि अल्टीमेटली चलो वो एक माइनर फ्लॉ है जो आप करेक्ट कर रहे हो And ultimately, आपको पता है कि जब ये life भी गाएंगे तो तो एक पे पे इसको एक क्रच बना लेते हैं ना लोग hmm. तो वहां पे बात ये होती है कि आप अपने आप को ही कमजोर कर रहे हो मतलब कितने सारे सिंगर्स हैं जिनको आप सुनोगे जो मतलब गाने के ऊपर तो बहुत अच्छा साउंड करेंगे बट आप उनकी लाइव परफॉर्मेंस जाके देखिए तो वो सेम कर ही नहीं पाते यार मैंने ये भी चीज नोटिस की है मतलब for lot of people who are willing to you know step into uh, uh, the domain of singing also and uh, then do live performances are wo live performance mein bhi apna track hi chalwate hain ha huh. and perform i mean live bhi aap ga nahi sakte so ab yahi cheez hai ki like obviously it comes down to different kinds of acquired like tastes also right, कि मतलब आज की date में thanks to technology वो जो traditional uh, way of looking at artists था ना वो भी अब इवॉल्व कर गया मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे अब आपने ट्रैक्स की बात करी है ना तो लाइक अब मैं जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ मैं अपने गानों पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ ना इट नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मेरे को म्यूजिशियंस मिले जो उस चीज़ को एग्जैक्टली exactly उस तरीके से प्ले कर पाएं राइट राइट मे बी उनका स्किल लेवल इतना नहीं है बट hmm. उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तब तक इंतजार करता रहूंगा लाइव प्ले करने का जब तक कि मेरे को स्केलेबर के म्यूजिशियंस नहीं मिलते मे बी आई एम यूजिंग सम साउंड जो लाइव नहीं रिक्रिएट की जा सकती राइट मे बी अब आज की डेट में क्योंकि म्यूजिक की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड हो गई है तो उससे लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस की डेफिनेशंस भी बहुत ब्रॉड हो गई हैं आज की डेट में मैं अपना लैपटॉप अपना एक ऐसा कीबोर्ड लगा के प्रोसेसर लगा के अकेले भी पूरी सिम्फोनिक परफॉर्मेंस दे सकता हूँ अगर मैं चाहू तो राइट मैं अकेला खड़ा खड़ा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मे बी पहले एक आर्टिस्ट के लिए करना पॉसिबल नहीं था थैंक्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट राइट सो इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग मीन लाइक जैसे मैंने बताया ना टूल है hmm. आप टूल को अच्छे से यूज करोगे तो आपकी अगर आपने मेहनत की हुई है तो वो नजर आएगी आएगी अगर आप अपनी लैक ऑफ मेहनत को छुपाने के लिए उसे यूज कर रहे हो तो वो भी दिख ही जाएगा अल्टीमेटली राइट राइट सो दैट दैट इज इज आई बिलीव मतलब टेक्नोलॉजी टेक्निकली एक डिसएडवांटेज नहीं है एक तरीके से आ, उसने मायाजाल हटा दिया ऊपर से राइट ah. सो right. so, अब आज की डेट में मतलब आ, मैं उतना भी डिपेंडेंट नहीं हूँ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी लाइक अब मेरे को जैसे अगर अपने ट्रैक पे ड्रम्स प्ले करने होते या कुछ प्ले करने होते तो, तो मेरे को हर बार ये ड्रम किट ला के यहाँ सेटअप करनी जरूरी इवन तो आई 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 वुड लाइक टू डू दैट वन ऑफ द फील अंडरस्टैंड कि इंडिया में या कहीं पे भी इतने कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं होते हैं hmm. क्योंकि लाइव एक तो जो सिम्फनी जो लाइव है वो मुझे कभी लगता है कि लॉट ऑफ कंपोजर्स लॉट ऑफ अरेंजर्स अरेंजर्स कहते हैं हम इनको दे लैक द

बट uh, जहाँ तक लाइव म्यूजिक की बात ही रहती है ना सो लाइव म्यूजिक में ना दिस इज़ वॉट आई फेल्ट एक ना एवोल्यूशन की भी जरूरत होती है मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सो so, uh, आपने कब आप कभी ऐसे बाहर खाना खाने गए हो एंड आपने वहाँ पे लाइव बैंड सुना हो तो आपने गाने सुने जैसे गुलाबी आंखें हो गया राइट right? तो यही गाना मैंने मतलब अगर आप रिसेंटली भी आप अब आज की डेट में भी चलो जो आपको सुनने को मिलेगा किसी लाइव परफॉर्मेंस वेन्यू पे बट आई वाज हियरिंग द सेम सॉन्ग मोर देन 10 इयर्स अगो राइट तो अब, अब लाइव की साउंड के अंदर एवोल्यूशन लाना भी आई थिंक बहुत जरूरी है राइट right. कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव म्यूजिक को भी अब एंजॉय करके देखो राइट right? यू गो एंड अब लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हो मतलब जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज टू बी बस किए हमने जो

क्योंकि जब आप क्लब में ऐसे गाना सी एक तो बात होती है आप शौकिया शौकिया कर कर रहे हो चीज़ राइट राइट में आपने वन ऑफ़ ऐसे यारों दोस्तों के साथ बार गए एक बार कर दिया मोर देन गुड ठीक है ना वो है बट वेरी right? so तो आपको उस हिसाब से तैयारी अलग से करनी पड़ती है right. Right? क्योंकि मेरे को भी पता है राइट right? आज की वो भी लॉट ऑफ टाइम्स डी ऑडियंस इज नॉट रिएक्टिंग टू यू एक्सेक्टली एंड क्योंकि वो डेड ऑडियंस तो, होती है वो क्योंकि सी अल्टीमेटली क्या होता है डेट इज सॉर्ट ऑफ लाइक मिस मैनेजमेंट आप कह सकते हो hmm. मतलब अगर आप जैसे लाइव अगर म्यूजिक रखवा भी रहे हो

आज की डेट में मतलब एक मेरे को पता है इंडिया में बहुत लोग म्यूजिक को बॉलीवुड म्यूजिक ही समझते हैं राइट बट देर इज अ लॉट मोर ऑफ म्यूजिक ऑल्सो इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया एंड उसमें से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी होता है जिसमें लिरिक्स होते ही नहीं राइट right? ऐसा म्यूजिक भी होता है आई नो पीपल जो ये सुन के भी सरप्राइज हो जाते कि इस में तो लिरिक्स ही नहीं थे यार भाई, मैं सुनता हूँ नहीं आता मतलब एक पूरी जनरेशन है नाइनटीज में टू थाउजेंड में एनिगमा सुन के पड़ी हुई है वो कैसे सोच रहे हैं कि हर चीज में लिरिक्स चाहिए सी अब आज की डेट में ऐसा नहीं है आई मीन लाइक आई नो लॉट ऑफ डीजे लॉट ऑफ आर्टिस्ट यहाँ पे लोकल भी नेशनल भी जो ऑलरेडी इस डेफिनेशन को ब्रेक करके अपना काम अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं राइट hmm. right? मतलब आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं आपने गली बॉय मूवी देखी है तो उसमें जैसे डब शर्मा ने म्यूजिक दिया तो डब शर्मा भी चंडीगढ़ के लौंडा है राइट एंड ही डज अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आल्सो एंड अब उसके अंदर क्या होता है नाउ आज की डेट में ये चेंज हो गया कि आप अगर कुछ बोलते भी हो इवन इफ इट्स दैट कैन बिकम लाइक हम ले के रहेंगे आज़ादी, आज़ादी, ये तीन जो वो जो वो नारा था, इसको लेकर ही टर्न इंटू एन एंटायर एंथम राइट सो लिरिक्स कैन बी टर्न इन टू म्यूजिक ऑल्सो सो आज की डेट में विद टेक्नोलॉजी दैट बाउंड वो बाउंड्रीज जो है ना वो बहुत ब्लर हो गई दैट इज वाई एज अ कंपोजर और एज़ अ क्रिएटिव पर्सन इन दिस फील्ड आल्सो आपको बड़ा अवेयर रहना पड़ता है कि यार देखो और हो क्या कह रहा है दुनिया में राइट एक्सपेरिमेंटल रहना चाहिए आपको बाउंड्रीज पता करने के लिए म, तुम्हें लगता है तुम्हें टाइम की तुम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करो या वॉक करो या कुछ करो डू यू इट या या इट्स वेरी नेसेसरी आल्सो रानी हमारे स्टूडियो के आगे ही ना बहुत अच्छा पार्क है हुँ.

सामने वाले पार्क में मैं नहीं जाता मेरी कट्टी है हाँ, उनसे कट्टी <laughs> <laughs> मुझे याद है मैं मुझे वो किस्सा याद आ रहा है कि आ, हाउसिंग बोर्ड चौंक की लाइटों से मैंने क्रॉस किया एंड यू आर आल्सो क्रॉस हां यस यस वो तो बस बाय चांस एकदम से आगे पीछे हम आ गए थे है ना बट वही बात है ना जिसने मिलना होता है किस्मत मिला ही देती हाँ, है तो मतलब मतलब वही

वो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम है ना इतनी बार मिल ली है वो लग ही ऐसा रहा है कि वो पहली बार वो पहली बार नहीं नहीं अब तो बस मतलब अगली बार कब होगी उसका इंतजार रहता है <laughs> <laughs> हाँ तो अब मैं ये जानना चाहूँगा मतलब अब क्योंकि बिकॉज आई एंड अभिनव वी वर्क टुगेदर अभिनव इज कंपोजिंग फॉर आर प्रोग्राम ऑल्सो तो अभिनव कैसा आपको हमारा हाउ डू यू फाइंड आर सिस्टम और वे ऑफ वर्किंग वेरी नाइस मतलब लाइक like, एटलीस्ट वो एक uh, कंफर्ट है एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के अंदर की मतलब लाइक यू नो अंडरस्टैंडिंग हो कि ओके यू नो किसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाइक करती है उसको लेवरेज करना एंड ऑल दैट सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बैलेंस एंड ऊपर से मतलब लाइक बॉस चिल है यू नो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो बट लाइक अदरवाइज लाइक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस

है ना बिल्कुल बिल्कुल मैंने यहाँ काम किया मैंने वहाँ काम मैंने ये मैंने वो फिर आई एम लाइक बट यू रियली पार्ट दैन वी तो अभी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडमिटेड और बहुत अच्छा इन्होंने अंडरस्टैंड किया है बिकॉज ही हैज़ गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू धन दीदी एज वेल well.

उनको पता लग जाएगा जो चंडीगढ़ या फिर पंजाब से बाहर लोग रहते हैं उनमें से काफी लोगों ने मेरे को बोला है कि मेरा बड़ा थिक पंजाबी एक्सेंट है हाँ। और वो कैसा है थोड़ा सा हम पंजाब मेरे को नहीं पता मैं तो बात कर रहा हूँ तो <laughs> 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 मुझे तो पता ही नहीं <laughs> लगता तो आई एम लाइक हेलो मैं आ, कपूर बोल रहा हूँ और आ, अभी बोल रहे हो आहो जी दसो की गल होगी गल हो ही नहीं कोई मैं हो रहा बोर

स्लॉट बुक कर लेते हैं आपके साथ right. तो क्या सुनना चाहेंगे आप <laughs> आ, मैं मुझे कुछ भी सुना दो जिससे मतलब मेरी मेरा मूड खिल उठे ओह हाँ. देखो रात के बज गए हैं नौ आप सुन रहे हो एक्स वाई जी एफएम मेरे यानी आरजे अभी के साथ एंड ऑफ कोर्स अंधेरी रात है बट आपका लड़का अभी भी तो आपके साथ है बट चलो अब रेडियो पे आप सुन ही रहे हो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप रात को नौ बजे रेडियो सुन रहे हो तो लाइफ में ज्यादा खुशी होगी नहीं है ना सिंगल ही हो कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं फोन उठाओ मेरा नंबर बोल दिया ये अभी की खासियत ये है कि अभी इतनी वॉइस के साथ भी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वॉइस यू कैन डू अ लॉट ऑफ म्यूजिक और बहुत स्पॉन्टेनियस है एंड uh, मैं अब जब एंट्री ही किया स्टूडियो में तो मैंने कहा अभी कॉम्पोजिशन बन रही है कह रहे अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट भर दूंगा हाँ मतलब मेरा एम वही है कि अभी जैसे आपने आइडिया दिया ना तो अब मैं जैसे थोड़ा टाइम लूंगा सुनने में कि मतलब मेरे पास क्या क्या रेफरेंसेज हैं इट साउंड फिर देन कम्पोजिशन में आई एंड थिंक कि मतलब लाइक like, कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसको लाइक इफेक्टिवली यू नो एक फॉर्म दे सकते हैं फिर उन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या क्या करना है you know you together, फिर उसको करके अभी तो याद आता है और चोटे बहुत खाई हैं तो इतना ज्यादा नहीं याद आता बट कभी कभी याद आता है पर बचपन की कोई एक बात या कोई एक चीज जो आप आज भी लेके आना चाहो कोई वो पल लाना चाहो या कोई भी चीज जो नॉट रियली आई मीन लाइक हर एक वो जैसे कहते ना हर एक इंसिडेंट की या फिर हर एक चीज की अपनी एक जगह रही है लाइफ में सो आई एम प्रिटी श्योर कुछ मतलब लाइक वही होता है एक बचपन का येस yes, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं दोबारा से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहूँगा hmm. बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो यू you नो know, मेरे को इतनी अच्छी लगी कि यार मैं चाहता हूँ कि मैंने भूल जाऊँ और मैं फिर दोबारा देख के वही फीलिंग दोबारा से एक्सपीरियंस कर पाऊँ

जब आप बच्चे होते हो ना जब आप छोटे होते हो तो आप बिल्कुल बेफिक्र होते हो आपकी इस लाइफ का कुछ नहीं होता एग्जाम है एग्जाम है बस वही होता है प्रेशर मेरे तो वही था hmm. और कुछ था नहीं hmm. तो वो मैं बेफिक्रपन वापस लाना चाहता हूँ एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू आर स्पॉल्ड यू आर आइसक्रीम आपकी डिस्पोजल पे मतलब बिल्कुल गेट पे आइसक्रीम वाला आ जाता है और आप वहीं से लेते हो अब yes, yes. बड़े होके आप कॉन्शियस हो जाते हो भाई दो आइसक्रीम खा ली तो वर्कआउट और, और करना नहीं, पड़ेगा आइसक्रीम का टब अगर ले रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है। नहीं नहीं मेरे के केस में ये नहीं है मैं जब टब खरीद रहा होता ना तो मैं सोचता हूँ मुझे इसको करने में कितनी देर लगेगी <laughs> मेरे को ना वो क्रैम्स है। yes, है। मैं सोचता <laughs> 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 हूँ ये जब एक चम्मच डाला ना या जब मैं वापिस से आई गेट ऑन टू द अपनी लेग प्रेस मशीन पे बैठता हूँ जब मैं अपना लेग और कोर का वर्कआउट तब मुझे ना एक एक खाया पिया याद आना शुरू होता है मैं कहता हूँ भैया ये क्यों इस... खाया मैंने क्यों पिया ये? हाँ मतलब वो वो अंतों में याद आ जाता है तो बचपन की ये चीजें थी कि तब आप मोटे हो रहे थे कुछ हो रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुंडा बड्डा हो रहा है मुंडा बड्डा हो रहा है ये हो रहा है बस यही चल जाता था ना कहीं खाया हुआ अब वो रह जाता है साथ में कुछ भी सुनो खाओ मौज करो लेट आओ पर डिसिप्लिन लाइफ थी अब थोड़ी सी मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आई आई रियली एंजॉयड माय चाइल्डहुड मुझे लगता yeah. है हाँ मैं एक चीज लाना चाहूंगा अपने बचपन से जो आई एम प्रिटी श्योर हमारे जितने लोग देख रहे हैं आई एम प्रिटी श्योर वो भी रिलेट कर पाएंगे और वो सब भी एक एक उनमें से यही चाहेगा कि उनके बचपन से वापस आ जाए गैस करो क्या है क्या पेट्रोल के दाम लोगों के रैक में बुक्स वगैरह लगी होती मैं मेरे को पहले ना मैं जाता था मेरे मामा के यहाँ ना सीडीज और कैसेट्स का रैक लगा होता था मतलब तो बिकॉज़ यू हैव लाइब्रेरी अब सारी ही चीजें ना एक फोन में है या एक फोन में सीमित हो जाती है। या, क्लाउड में है या फिर फोन में है तो इट्स नॉट देर इन फिजिकल फॉर्म तो वही जो चीजें बुक्स रिटेन कर पाई हैं काश वो डीवीडीज वो आ, मतलब कुछ समथिंग कलेक्शन डेट यूडेन वो उस टाइम में पूरी की पूरी एल्बम्स yeah. आती थी अब वो जार, चली गई है वो uh, I think, अब क्या हो गया? कि पहले ऑप्शन नहीं होती थी सीडी लेने के अलावा राइट right? आज की डेट में ऑप्शंस बढ़ गई है मतलब की अपनी कन्वीनियंस है मैं, मेरे फोन में अगर कोई गाना है मैं आपको वो कहीं भी आप हो, आपको भेज सकता हूँ

एक्सेस फिर से आ गया मॉडर्न टर्न टेबल उनकी अपनी क्वालिटी है तो uh, मतलब डिजिटल में भी देर इज अ लॉट ऑफ लाइक यू नो प्रोग्रेशन हैपनिंग मतलब अभी हम जैसे अगर एम फॉर्मेट थ्री पे गाने सुनते हैं तो अभी जैसे फ्लैग फॉर्मेट्स है तो वो उससे भी हायर क्वालिटी है तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है है आप मतलब मतलब देखो हमारे हमारे कल्चर कल्चर में में मतलब, का पता पता नहीं नहीं शायद घरों वो वो वाइनल वाइनल बोल रहा आपने मैं तो बोलता था हाँ, फिनाइल और हाँ, अच्छा हाँ, वाइनल है, राइट तो हम तो मतलब बोलते थे कि टेप्स होती हैं कभी टेप को उंगली कैसेट देखो टेप, मतलब हाँ। टे... कैसेट यार, ये तो लाइक हमारे यहां घर के पास भी मेरे को अभी भी याद है आ, यहां पे बुडनपुर करके एक विलेज है वहां पे अंदर एक प्रॉपर ऐसी सीडियो की दुकान होती थी मतलब जैसे फिल्मों में नहीं देखते पुराने गांव के अंदर होती थी तो उसके पास भी हम जाते थे तो उसके पास जैसे बट वही तो मतलब तो मेरे को जैसे कोई ब्लैंक सेट मिल जाती थी उसमे से एक गाना किसी के सेट से लिया एक गाना किसी के सेट से एक गाना किसी के सेट से तो मैं अपनी ऐसे कलेक्शन हाँ. जो आज की तारीख में प्ले कहते हैं जैसे तो आई यूज टू मेक दैट फिजिकल फॉर्म तो वो भी मतलब शुरू शुरू में मतलब गलती गलतियाँ करके पंगे लेके सीखा सबसे पहले कोई मम्मी पापा की सेट थी जिसके अंदर गाने थे उसके ऊपर ही ब्लैंक साउंड रिकॉर्ड कर दी तो मतलब गाना चल रहा है फिर इसमें चुप हो जाता है hmm. तीन सेकेंड के लिए फिर चल पड़ता है दोबारा गाना सो hmm. so, ऐसे करके कर मुझे तो, तो टेप्स का टाइम याद ऐसा आता है कि आई यूज्ड टू पे लाइक पहले हमें होता था कि अगर आपको अपनी एक कस्टम कैसेट uh, uh, चाहिए कि जब भी हम हॉलीडेस पे जाते थे अपने नाना-नानी के पास तो ये प्लेलिस्ट हो तो वो पहले दो दिन पहले ना म्यूजिक वाले के पास दो नहीं वो भी तीन दिन पहले लेता था कि बड़ा खास अगर आपके पापा को जानता हो तो वो दो दिन में बनाएगा वरना तो तीन-चार दिन पहले तो आ, कैसेट पे ना पूरी पहले गानों की लिस्ट आप हाथ से लेके देते थे वो उसी ऑर्डर में साइड ए और साइड बी फिर मिनट कैसेट का बताते थे तो मैं कैलकुलेट करता था कि साइड ए में आखिरी गाना यही होना चाहिए हाँ। और बी में पूरा वो और फिर वो सोनी की या टी डी के ऐसे कुछ ब्रांड्स होते थे right. इनकी ना टी सीरीज की भी आनी टी सीरीज की तो पता नहीं प्लैंक टेप नहीं, नहीं। mm -hmm. तो टेप आई अलग होता था, था और हम उस एरा में थे कि पंजाबी गाने टेपों में नेक्स्ट इम्पोसिबल था अब शायद वो टाइम अब पंजाबी म्यूजिक का बहुत ऑलरेडी कितना आगे इंटरनेशनल लेवल नाउ डिजिटल हाँ। का यही एक बहुत बड़ा वो है कि अब आप देखो कितने सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक थे जो लोगों की पहुंच से बाहर थे ड्यू टू दीज रीजन अब वो ऐसे टैप करके सुन सकते हैं मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कोई ट्रांस की पांच छह ट्रैक देता पहले वो बंदा ढूंढता तो वो मना ही कर देता आज की तारीख में तो आप ये सोचो ना एक गाना पहले बनता है फिर उस गाने का कोई रीमेक बनाए फिर उस रीमेक का रीमेक्स बनेगा फिर उसका एक कवर वर्जन बनेगा इतने सारे अलग अलग वर्जन है आप हिसाब भी कैसे रखोगे आज की तारीख में आप जाके बंदे को कैसे बताओगे यार मेरे को ये गाना चाहिए विच इज मेड बाई दिस आर्टिस्ट फीचरिंग दिस आर्टिस्ट ये वाला <laughs> वो अगर इंटरनेट ना होता तो ये सारी चीजें करनी हो जाती। राइट right. और इनको और इनको सर्च करना मैंने इतनी पढ़ी है पर मतलब यूज भी किए पर आम समझाना पड़ता है ना तो उनको उनको बोलना है कि गाने लिस्ट कर दो क्योंकि हर आदमी समझते हैं कैटलॉग कर दो कैटलॉग बड़ा एक स्पेसिफिक वर्ड हो जाता है विच इज जो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है थोड़ा सा हाँ, इंडस्ट्री में।, में ही इस लोगों को यूज किया जो साउंड uh, की uh, पूरी मेंटेन करते हैं लाइब्रेरी राइट वो मुझे लगता है हमने हर एरा इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंजॉय किया आज yeah. के टाइम हमारे पास एक्सेस ज्यादा है तो मुझे स्कोरिंग बहुत हेल्प करती है लिखने में भी यू हैव एक्सेस टू अ लॉट मोर म्यूजिक जिस तरह आजकल आर्टिस्ट्स हैव एक्सेस टू अ मच बिगर ऑडियंस जब पहले वही होता था कि आप मर्सी पे होते थे कि यार ये मेरे को चांस देंगे तो मैं अपनी टैलेंट को लोगों के आगे शोकेस शोकेस कर कर प्लेटफॉर्म आप का न्यू लर्निंग फ्रंटियर मतलब लॉकडाउन वगैरह भी जैसे हो रहा है तो बहुत सारे आर्टिस्ट यही सीख रहे कि अब हम जाके अलग अलग लोगों के साथ बैठ के तो कोलेबरेट कर नहीं पा रहे जैसे पहले करते थे तो अब हम इंडिविजुअली अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें राइट सो दैट इज आई थिंक वो आज की तारीख में करना पड़ता है बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत मजा आया यार अभी बात करके Every आज time, इतनी सारी और यही खासियत है अनप्लग्ड की yes. कि कुछ भी बात करो और uh, कुछ भी यू you नो know, मतलब जो दिल में आए हम हाँ आपस में जैसी बात करते हैं वो ही है और खासकर फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग एंड विल कंटिन्यू टू डू इन द फ्यूचर आई नो यू आर आल्सो Uh, teaching a lot of students Yes Training a lot of underprivileged kids also And guiding them that how music be a viable career option bhi ban sakta hai. So here is a small uh, token of appreciation from um, our so uh, partners who are supporting our program uh, Aroma Musk uh, for Abhinav And uh, then we have Elistos hamper oh. from Elistos So so wow. Wow, really हैं ये हाँ. तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हाँ. सारे हैंपर्स बहुत अच्छे बाकी अब आप बताओ यार और क्या सेवा चलेगी कुछ गाने वाने गाओ यार मेरे लिए मैं गाने गाऊँगा तो <laughs> नहीं, नहीं चले मेरे, चलेगा चलेगा मेरे, मेरा जो मेरी जो दाल रोटी चल रही है ना वो बंद हो जाएगी ऑटो ट्यूनर है गाने गन हुल बड़यार सब फड़ जानगे सारे फड़ जानगे मेबी मेबी यू कैन पिक अप द गिटार एंड समथिंग फॉर अस अ लिटिल बिट इफ यू कैन चलो लेट मी जस्ट गो पिक अप माय गिटार तू बल खा के हवा में का चली तू तेरी खुशबू जो आए हर पल थे मुझको जलायु ही तू सांसों में समान मिल जाए बस बहाना मेरी रूह को छू गई तू तूने तू, तू, तू जो चुआ है Aaya sir dua, meri jaan hai nasha, tera gaira, meri jaan nasha, oh oh, meri jaan hai nasha. सब सब कुछ सब कुछ इस right. <laughs> इस गाने का माँ भी मैं हूं, इस गाने का का भी 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 मैं मैं और, <laughs> और <माई बाप> भी. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> तो मैं ये देख रहा था कि यू वर प्लेइंग विद योर लेफ्ट हैंड हैंडेड म्यूजिशियन इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है राइट है तो सही है बट बहुत मतलब कहानी की शुरुआत बड़ी सैड सी है सो हाँ, so, यानी हाँ, स्टोरी का मजा यही है और आर एफ अनप्लग का ही वक्त भी बहुत है और किस्से भी बहुत हैं। सो बेसिकली जो लेफ्ट हैंडेड म्यूजिशन होते हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग बनते हैं हाँ, मतलब हम जैसे नॉर्मली सोचते नहीं है कि कोई खब्बू है तो मतलब क्या होगा क्योंकि पेन आप यूज करते हो तो सेम पेन यूज करते हो बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ता मतलब है तो, इसकी होती स्ट्रिंग्स हैं? होगी, भी होगी, मतलब वहाँ पे आपको राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे मिल जाते हाँ। हैं बट लेफ्ट मिलते समझ गया क्योंकि आप शॉप में जाओगे मुश्किल से पूरी दुकान के अंदर जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन सबको मिला के एक इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट हैंडेड होएगा वो भी आपको चॉइस नहीं मिलती है ऑप्शन नहीं मिलती so, मतलब, like, uh, मतलब, uh, uh, श्रेय जिसे है मैं कहूँगा मैं दूंगा एक गिटार कोच को सो so, जब मैंने सीखना शुरू किया था सो so, मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे को बताया कि मैं उसका गिटार लेके प्ले कर रहा था बट मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था मेरे को पता नहीं था। How are you doing? ना कैसे मतलब जैसे दिखा दो सो so, जैसे आ, मतलब नॉर्मली अगर कोई गिटार पकड़ेगा वो ऐसे पकड़ेगा हाँ. राइट तो मैं गिटार ऐसे पकड़ के बजा रहा था हाँ. तो उसने कहा कि यार तू मेरा मेरा मतलब मेरा गिटार उल्टा बजा रहा है मैंने कहा यार मेरे लिए ये कंफर्टेबल है कहता क्योंकि क्या तू लेफ्ट है मैंने कहा हाँ मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ कहता है इसीलिए तो ये स्ट्रिंग्स जो है ये उल्टी हो जाती है उस टाइम पे हाँ. राइट ये चीज जो है ये इस तरफ आ जाती है तो आपका हैंड ऐसे प्ले कर सकता है उसे तो मैं ऐसे प्ले करना स्टार्ट करा तो मैंने अपने फ्रेंड एक और फ्रेंड का गिटार बोरो करके उसकी स्ट्रिंग उल्टी डलवा दी मैंने अच्छा तो मैं उसमें प्रैक्टिस करता था तो मेरा एक कजन था, था right तो like, you know, तो मेरी मम्मा भी कहते कि यार, चल, उसका भी टीचर आये तू भी जाके सीख ले वो जो सर थे उन्होंने पहले दिन ही मेरे को देख के बोला कि नहीं ऐसे लेफ्टी नहीं सीखूंगा मैं

सुन सुन के देख देख के मैंने अपने आप को मतलब जैसे वीडियोस भी देख देख के गाने सुन सुन के एक्सपेरिमेंट कर कर के मैंने अपने आप को बजाना सिखाया गिटार एंड आई केप प्रैक्टिसिंग आई केप वर्किंग एट इट लाइक काफी साल लग गए बट उसके बाद मैं मेरा एक बैंड था तो वी वर चंडीगढ़ में ही एक स्कूल ने हमें इनवाइट करा था hmm. वो सारे शहर भर के जो स्कूल्स हैं hmm. उनका एक बैंड कंपटीशन था राइट right. म्यूजिक उनके सारे डिपार्टमेंट्स का तो वी वर कॉल्ड एज द जजेस फॉर दैट कॉम्पिटिशन एंड सो मतलब मैं तो दिल खोल के नंबर देता हूँ सबको बट एक स्कूल था जिसकी मतलब परफॉर्मेंस क्लियरली इतनी अंडर प्रिपेयर थी कि मतलब सबको पता लग रहा था सुनने वालों को भी देखने वालों को भी कि वो बच्चे कम्फर्टेबल नहीं थे परफॉर्म करने में मतलब उनसे परफॉर्म करवाया जा रहा था दे वे नॉट हैविंग अ गुड टाइम राइट एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है म्यूजिक अच्छे म्यूजिशियन के लिए टू एन्जॉय वॉट यूर तो uh, क्या कहते हैं मतलब अनफॉर्चूनेटली दैट स्कूल केम इन लास्ट उस कंपटीशन में एंड डिस्पाइट uh, दिल खोल के नंबर देने के मतलब उनको दे ही नहीं पाते हम इतने तो अल्टीमेटली क्या हुआ फिर जब प्राइसेस हैंड ओवर करने का टाइम आया तो जो कॉन्सोलेशन लास्ट प्राइस था वो उस स्कूल को जाना था और गेस uh, करो उस स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट का एचओडी कौन था वही गिटार टीचर जिसने मेरे को बोला था कि मैं तेरे को सिखाऊंगा नहीं हम्म hmm. तो एम पीटी शोर पता नहीं उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना मेरे को बट उसके बाद जब उनका स्कूल उतरा स्टेज से फिर मैं अपने बैंड के साथ स्टेज पे चढ़ा उनके सामने बकायदा, मैंने एक पूरा शो प्ले करा एक लेफ्ट हैंडेड गिटार के साथ हुँ. तो मतलब जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट अराउंड फुल सर्कल फॉर मी कि भाई देखो आपने ही मेरे को बोला था तू कभी सीख नहीं पाएगा किसी से सीख नहीं पाएगा अब आज की डेट में आप जिस कॉन्टेस्ट कौन, कौन, के अंदर एक एंट्रेंट बनकर आए हो उसका जज मैं बन गया हूँ सो अल्टीमेटली वट मैटर्स इज कि आप कितना एफर्ट करके उसको कितना आगे खींच के ले कितनी जाते कितनी स्टोरीज़ हैं मतलब हम सब की की मतलब जो एक इंस्पिरेशन होती है ना या एक झील होती है एक जिद होती है वो कह चोट खा के आती है चोट खा के आती है या ठोकर yes. खा के आती है चोट खाना धोखे का पार्ट हो सकता है ठोकर खाना एक्सीडेंट का पार्ट भी हो सकता है जैसे ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपके जो जिनसे आप सीखने जा रहे हैं वो आपको मना इस बेसिस पे करेंगे जो कि एक बहुत नेचुरल फ्लो है मैं अगर लेफ्ट हैंडेड हूँ कोई मैं गाड़ी नहीं चला रहा कि मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत है मैं लिख रहा हूँ एग्ज़ाम्पल तो ये एक नेचुरल फ्लेयर होता है कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं या आप राइट हैंडेड हैं क्रिकेटर्स भी हैं बहुत स्पोर्ट्समैन है। भी हाँ गिटार एक ऐसी चीज़ है मतलब जो मैंने अब सुना मतलब समझा कि जैसे क्रिकेट का बैट पकड़ना हो या पेन हो वेदर आप लेफ्ट हैंड से होल्ड करो या राइट से वो टूल सेम है कोई बैट चेंज नहीं होता रैकेट चेंज नहीं होता अगर आप लेफ़्ट से खेल रहे हो तो बट गिटार की स्ट्रिंग्स ऑपोजिट हैं और पार्टी में पकड़ा yeah. है, ही यही होता ना. Yeah. थोड़ा उसकी भी मतलब, होती है उसके अंदर तो बट अब जैसे पियानो है पियानो में लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड इतना करे राइट बट इस पे करता है सो अब क्योंकि जैसे समथिंग जो आपने पोटेंशियली पूरी बॉडी पे

नई बिल्ड कर सकता है आपके गुरुजी आपके आपको नहीं उस हिसाब से बिल्ड so, मेरे गुरुजी राइट हैंडेड पेसर होंगे और मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो ये तो ऐसे नहीं कहे वो ऐसे जो एक्शन करेंगे वो मैं ही समझूंगा कि कैसे डालना है अल्टीमेटली आपको उनकी लर्निंग्स को अपने तरीके में इंटरप्रेट करना होता है राइट right. राइट right. तो मतलब वही बात आती है अगर आपकी लर्निंग सही है और आपकी इंटरप्रेट करने का तरीका सही है आपका रिजल्ट भी सही आएगा राइट राइट सो मैं तो मतलब लाइक like, अल्टीमेट वो ही होता है कि जहाँ इमेजिनेशन की कमी होती है ना आई थिंक वो एक प्रॉब्लम है जो लोग ओवरकम नहीं कर पाते मतलब आई थिंक अगर सर में थोड़ी सी भी इमेजिनेशन होती तो ये आज की डेट में पता नहीं मतलब शायद मैं कितना और कुछ सीख गया होता गिटार पे उनसे फिर hmm. कभी हुआ है वैसे मैंने ये पूछा नहीं कि भाई तुम ऑलरेडी बहुत सारे जैसे रेडियो प्रोग्राम्स तुमने होस्ट किए हैं इतने साल अक्रॉस पंजाब

बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है बट उनकी इंटरनेट पर जॉब हो जाता है कभी कभार मतलब जैसे events, इतने लोगों से मिलना रहता है तो कभी कभी मतलब आके मिल भी जाते हैं लोग कभी कभी बड़ी अनएक्सपेक्टेड जगहों पे मिल जाते हैं कभी कभी घर ही आके मिल जाते हैं लाइक hmm. like, मेरे केस में हुआ हुआ है हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे सो so मैं वोट डाल के आया था भी एंड क्या कहते हैं आई वाज जस्ट स्टैंडिंग अपने यहाँ पे गार्डन में अपने पापा के साथ वो चाय पी रहे थे एंड हमारे सामने से ऐसे वो जैसे कैंपेनिंग कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे तो कैंडिडेट्स के ग्रुप्स निकल रहे थे घर के बाहर से तो एक कैंडिडेट के ग्रुप में से एक आंटी ने मेरे को पहचान लिया hmm. कि शी न्यू आई वाज ऑन द रेडियो एंड ऑल दैट स्टफ राइट तो उन्होंने तो एक दूसरे अभी तू इधर चलो आ जाओ दस वोटे तूने तु, डलवानी है हमें <laughs> <laughs> आगे एक दो के मेरे को से मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो एंड ऑल वो, वो जिसे कहते ना मतलब जब कोई आपको अपना फ्रेंड समझ लेता है यू नो लाइक इतनी देर के बाद तो वो भी मतलब यारी यारी में ही कहते ना कि चल यार अपना यार है तो अपना काम करा ही देगा विच आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट एंड लव

सुबह क्यों नहीं उठते बजे और अपना दिन शुरू करते और आप ये क्यों रात को दो बजे सुबह बजे बजे मतलब आई डोंट टू आंसर इट वे अच्छा मेरा ये है मैं पाँच इसलिए नहीं उठता क्योंकि और बहुत लोग हैं यार जो सुबह पांच बजे उठ जाते हैं ठीक है hmm. ना एंड <laughs> मैंने लाइक oh. रेडियो like, पे मॉर्निंग शो होस्ट करा है कई सालों के लिए uh, मेरे को अब तक सुबह जल्दी उठने के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला अगर ऐसा होता है कोई तो मैं तलाश कर रहा हूँ बट लाइक uh, like, मैं रात को इसलिए प्रेफर करता हूँ काम करने में बिकॉज यू कैन वर्क अन इंटरप्टिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिन में क्या होता है कुछ ना कुछ इंटरप्शन आई जाती है बीच में यू you नो know? ये करना है जाके वो करना है जाके रात के टाइम में होता है कि आप एक स्ट्रेच में वही जैसा कहते हैं ना इन द जोन आप एक्सटेंसिवली थोड़े टाइम के लिए काम कर सकते हो सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में वो इन द जोन मतलब जोन में घुसना भी और रहना भी और निकलना भी ऑल दीज थ्री थिंग्स टेक्स टाइम

मेरा विलक आई हैव एन एक्सपीरियंस विद अ लॉट मतलब गिनने की कितने पता है गिनने में आओ ना वही बात होती है कि वो कितने गिनाने हैं आपको हाँ. मतलब वो ज हैं सब genres हैं राइट उनके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं है बहुत बहुत इतना टाइम ही नहीं होगा इसके लिए अलग बैटरी आपको लगानी पड़ेगी कैमरे में एक और नहीं <laughs> हम दस तो कर सकते हैं अरे बहुत आराम से आ, दस, दस तो मैं आपको जॉनर और सब गिना सकता हूँ एक उसी के <laughs> नहीं जॉनर जॉनर सो लेट्स गो विद सबसे पहले क्लासिक रॉक हो गया जैसे हमारा ठीक है देन यू हैव मेटल म्यूजिक ठीक है देन यू हैव हिप हॉप म्यूजिक uh, then you have trap music you have drill you have grime you have dubstep you have jazz you have blues you have psychedelic you have folk you have punk uh, you have acid jazz you have avant garde jazz fusion fusion तो खैर सब का मिलन ही हो गया तो सारे जोनर्स भी उसके अंदर आ गए तो square हो गए सारे genres. फिर उसके बाद क्या है doom shoegaze noise math rock progressive progressive rock progressive metal फिर आपके इंडियन में भी क्लासिकल इंडियन नागा फोक ब्लूज पंजाबी पंजाबी ब्लूज uh, uh, और भी कितनी सारी मेलेडी ओडिया मेलेडीज आपके हर स्टेट का अपना एक अलग फोक म्यूजिक hmm. है सो लाइक यू नो वही चीज है और हर एक म्यूजिक हर एक म्यूजिक की अपना एक कैरेक्टर है अपनी एक साउंड है राइट right. सो so, उसमें इंस्ट्रूमेंट का प्ले डिफरेंट है उसमें राग डिफरेंट है राग भी डिफरेंट है स्केल्स डिफरेंट यूज करेंगे फिर स्टाइल्स होते हैं जैसे कुछ सिमिलर है आप देखोगे जैसे हरियाणा में हरियाणवी गाने के लोग इतने सुनते बट आजकल मतलब वो थोड़ी टेक्नो बीट्स के ऊपर मतलब बड़ी ऑटो वोकल्स हरियाणवी के अंदर हाँ, तो ये, ये, वो क्यों करते हैं क्योंकि करना है क्योंकि अल्टीमेटली इट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन राइट मतलब वो मे बी जैसे मैं मतलब कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो ऑटो ट्यून को एज अ क्रच यूज करते हैं कुछ आर्टिस्ट ऑटो ट्यून को एज अ टूल यूज करते हैं कि वो गा देंगे बट उसके अंदर वो रोबोटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वो डाल देंगे राइट

चढ़ने को आ गया यस yes. है ना अच्छे <laughs> से तो थोड़ी देर पहले ना जैसे लोग कहीं आज मुझ पे वो आरोप ना लगा लिया जाए कि आप इतनी सुबह जा रहे हैं मैं 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 कैसे समझाऊंगा कि घर वापस आ रहा हूँ वही होता है ये मतलब लाइक क्रिएटिव लोगों के लिए थोड़ा सा होता है जब हम बाहर जाते हैं ना नॉर्मली जिस टाइम पे लोग सुबह उठ के अपना काम कर रहे होते अपनी रहे हैं अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं हम सोने पहुंचते हैं उस टाइम पे चलो सोया जाए अनप्लग की यही खासियत है कि हम बात करते रहेंगे ढला <laughs> हुआ सूरज वापिस उग जाएगा, जाएगा हमारी बातें खत्म नहीं होंगी बिल्कुल, बिल्कुल पर हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए अभी के साथ मिलने का मिलके बैठने का और बैठ के ढेर सारी बातें कुछ नए पहलुओं के बारे में बात करने का बिल्कुल बिल्कुल है ना? सो आ, आज का ये एपिसोड यहीं तक आ, ये ये थे, ये हैं, और ऐसे दिखते है जी, आ, हैं है? देखो जी म्यूजिक डायरेक्टर्स, निकर पहन के बैठते हैं यहाँ पे हमारा ड्रेस कोड काफी फ्लेक्सिबल है मतलब नाइट सूट्स में भी आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना बस एज लॉन्ग एज आपने कपड़े पहने मिनिमम रिक्वायरमेंट ये ये हैं अब अभ, अभी और मैं हूं जस्वी और आप देख रहे हैं आर एफ ई अनप्लग की पॉचिंग रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड आप देख रहे हैं आर एफ अनप्लग रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे